सबोंगो जय यीशु। प्रभु यीशु की शांति आप सबों के दिल में सदा बने रहे। होली फैमिली संस्था की स्थापिका मां मरियम थ्रेसिया कहती हैं, अंधकार को दोषी ठहराने की कोई जरूरी नहीं है, बल्कि अंधकार में एक दीपक जलाओ। आज संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। और वचन कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब मां मरियम थ्रेसिया के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, मां मरियम अंधकारमय जीवन में या अंधकारमय अवस्था में एक ज्योति बनकर रही। कैसे वो ज्योति बनी? संत योहन के अध्याय 15 में प्रभु येसु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अगर मेरी शिक्षा तुझ में रहते हैं तो मैं तुझ में और तुम मुझ में रहेंगे और तुम बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर मुझसे जुड़कर तुम बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। सचमुच में मां मरियम थ्रेसिया यीशु से जुड़े रहकर बहुत फल उत्पन्न किए। क्या फल है वो? पवित्र आत्मा के फल। और इस प्रकार वो प्रभु यीशु की ज्योति बनी। वही ज्योति अंधकार में छिप नहीं रहे, उनके अच्छे कामों को देखकर प्रभु के पास लोग आए और इस प्रकार वो संसार की ज्योति बने। प्रभु यीशु के प्रकाश इस पूरे दुनिया में वो फैलाए। जितने दिन वो रहे उतना दिन प्रभु के प्रकाश में लीन होकर प्रभु के प्रकाश को इस दुनिया में फैलाए। आइए हम भी प्रभु के प्रकाश से भरकर इस संसार की ज्योति बनेंगे। और जो प्रभु के इस ज्योति में रहते हैं, ज्योति में जीवन बिताते हैं, वो कभी अंधकार में चल नहीं सकते। आइए हम हर एक व्यक्ति प्रभु की ज्योति बने और इस दुनिया के अंधकार को मिटाए। सबों को जय यीशु।